चमकार नहीं होती, बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शह सवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, ओ फिर कैसे मिले। कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम टू द आरडीडी शो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप सभी कैसे हो? होप सो आप सभी अच्छे ही होंगे। और कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो दिलों में बस जाते हैं और इतिहास बन जाते हैं। उन्हीं में से एक ऐसा चेहरा जिन्होंने लोगों के दिलों में एक अलग पहचान बनाई है, एक ऐसी पर्सनालिटी जो लोगों के दिलों में राज करती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ श्री कृष्णा में देवकी का रोल निभाने वाली, जो कि एक कथक एक्सपोनेंट और एक्टर है। ऐसी महान पर्सनालिटी आज हमारे बीच जुड़ने वाली है। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारी आज की गेस्ट से और जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम, नमस्ते, कैसे हो रिंस? कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, और मैं आप ठीक कैसे हूँ। हो? मैं भी ठीक जी हूँ। पोस्ट कोविड वी आर ट्राइंग टू गेट बैक टू अवर नॉर्मल लाइफ, जो होता है उसको हम कोशिश कर रहे जी हैं। एंड आई हैव अंडरस्टूड कि क्योंकि जब आपने अप्रोच किया था मैं मुझे इंटरव्यू के लिए, तो मैंने आपको जी फॉलो करना शुरू किया, तो आई थिंक योर वर्क इज रियली गुड, क्योंकि वो एक इंस्पिरेशन है अपने आप में। मतलब आपका चैनल जो है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, वो बहुत ही खूबसूरत लाइन है और आपने उसको बहुत बखूबी से निभा रहे हैं। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू सो मच मैम, एंड वेलकम टू द आरडीडी शो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मैम, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में भी कभी ऐसे मोमेंट आए हो जब आपने कोशिश की हो और हार नहीं मानी हो। मोमेंट्स तो बहुत आए हैं और अभी भी आ रहे हैं। ऐसे तो नहीं है कि जैसे कहते हैं ना, जब तक जिंदगी है तब तक लड़ाई है। तो एंड स्पेशली एज एन आर्टिस्ट मैं ये कहूंगी कि आप शायद मेरी जिंदगी में एक बात जरूर देखा है कि मैं जब 150% करती हूँ तो शायद मुझे 50% ही ये मिलता है, बट दैट इज समथिंग दैट इज मे बी डेस्टिनी है या कुछ है, लेकिन हार्डवर्क में मैंने कभी कमी नहीं की। कि जो मेहनत है, चाहे वो छोटा सा प्रोग्राम हो, चाहे वो बहुत बड़ा फेस्टिवल हो, जैसे डांस फेस्टिवल है, या मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि मैं जब सीरियल में मुझे लिया गया, सागर जी ने, पापा जी ने मुझे लिया और मैंने कृष्णा जैसे सीरियल में काम करना शुरू किया, तो ना सागर कंबाइन वॉज अ ह्यूज सेटअप, लेकिन उस समय मैं साइमल्टेनियसली छोटे छोटे ड्रामास कर रही थी फॉर गिरणी कामगार, जो कि यहाँ पे जो मिल वर्कर्स है तो उनके यहाँ आर्टिस्ट नहीं होते थे, तो वो मुझे बुला लेते थे कि आप हमारे लिए काम करो। तो आई वॉज वर्किंग विद मिल वर्कर्स, लेकिन कभी भी घर से भी ऐसे था और गुरुजी के भी संस्कार थे, रमा दीदी के, कि कहीं पे भी कोई भी ये नहीं करना है। मतलब आप छोटा सा रोल कर रहे हो, आप बड़ा सीरियल कर रहे हो, आप एक एपिसोड कर रहे हो, मेहनत वही होगी, आप ऑनेस्टी और सिंसियरिटी से काम करोगे। तो शायद दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट विथ माय वर्क। मतलब सब कहते थे कि इनका वर्क बहुत कंसिस्टेंट है, शी डज नॉट मतलब देख ये बोलते ना, जैसे देखभाल के कि ठीक है यहाँ पे इतना कर लेंगे तो होगा। नो, आई डोंट थिंक एज एन आर्टिस्ट वन शुड डू दैट। और इस तरह से तो बहुत इंस्टेंसेस आए हैं जो आप कह रहे हो कि कोशिश करके हम कोशिश करते रहे। मतलब जैसे कि सीरियल भी मुझे आया तो मुझे तो पता ही नहीं था ये इंडस्ट्री के बारे में, बट माय थिंग वाज दैट व्हाटएवर द डायरेक्टर टेल्स मी आई विल डू इट, सो आई वाज फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस।
और उसका आप देख रहे हो नतीजा अच्छा हुआ, और इतने सालों बाद भी लोग याद कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। सो यस 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 बिल्कुल सही कहा है। लेकिन इससे पहले मैं जानना चाहूंगी मैम, आपकी मेन इंस्पिरेशन कौन है जिनसे इंस्पायर होके आप इंडस्ट्री में आए? और आपकी अगर मैं बात करूं तो आप एक वर्सटाइल पर्सनालिटी हो। इंस्पिरेशन देखिए, जी आई स्टार्टेड ट्रेनिंग इन कथक, मतलब मैंने कथक की ट्रेनिंग जो तालीम शुरू की बहुत बचपन से ही शुरू की। और मेरी गुरुजी रमादेवी लच्छू महाराज थी, जो लच्छू महाराज की चाची थी, और उन्हीं से मैंने बचपन से सीखना शुरू किया। मेरे फैमिली में बहुत सारे एजुकेशनल एकेडमिक क्वालिफाइड थे, प्लस दे वेर इंटरेस्टेड इन द आर्ट्स। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरी कोई एक इंस्पिरेशन थी कि वो हीरोइन मेरी इंस्पिरेशन है, बट मैंने जो फिल्म इंडस्ट्री को देखा, मतलब आई सॉ इट थ्रू द प्रिज्म ऑफ माई गुरुज आईज। और गुरु जी के जो हस्बैंड थे लच्छू महाराज जी, वो भी बहुत बड़े कोरियोग्राफर थे अपने आप में। तो आई हैव एन हैबिट ऑफ टेकिंग द गुड पॉइंट्स ऑफ एवरी आर्टिस्ट, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो जिसके साथ मैंने काम किया, माँ बनी या कुछ, या मुझे ऐसा लगता है कि किसी में कुछ अच्छाई दिख रही है। या जैसे मैंने विक्रम गोखले जी के साथ एक प्ले कर रही थी, तो मैंने देखा कि वो जिस ढंग से उसकी रिहर्सल करते थे, नॉट द एक्चुअल रिहर्सल, ऑन द डे ऑफ द शो वो शायद 3 घंटे पहले आके सिर्फ वॉकिंग करते थे एक तरफ से दूसरी तरफ, और कपड़े बदलने का फिर से प्रैक्टिस करते थे। मतलब जो छोटे छोटे न्यूंस डिटेल्स करते थे, तो वो मुझे देख के बहुत इंस्पायर होता था कि अरे ये होना चाहिए कि इतने सालों से काम कर रहा है जो आदमी, सच अ ग्रेट आर्टिस्ट विक्रम जी, बट स्टिल ही इज डूइंग दोस डिटेलिंग बिफोर। क्योंकि क्या होता है, स्टेज डायमेंशन हर बार बदलता था। अब जब थिएटर करते हो तो आपको शमुकानंद मिलता है जो बहुत बड़ा है, रविंद्र है जो छोटा है, उसके बाद पृथ्वी का इंटीमेट थिएटर है, बट वो शिवाजी मंदिर है, तो हर पार्ला का है ऑडिटोरियम, तो हर ऑडिटोरियम के उसके साथ, उसके डायमेंशंस के साथ वो रिहर्सल करते थे। तो इस तरह से आई हैड लॉट ऑफ इंस्पिरेशन, पीपल हुम आई लुक्ड अप ऑन लुक्ड अप टू, लाइक डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी, ऑफ कोर्स द सागर्स वेर देयर, पापा जीज वर्क, फनी मजूमदार विद हिम, बाबू भाई मिस्त्री। तो इवन माई को आर्टिस्ट आई हैव ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेस्ट इन देम एंड देन मूव फॉरवर्ड विद दैट। ग्रेट मैम। और हमारे साथ कुछ ऑडियंस जुड़े हैं मैम, जो कि रेखा शर्मा आपकी बहुत बड़ी फैन है। जी थैंक यू सो मच। और पूजा भूषण झा हमारे साथ जुड़ी है, जो कि कवित्री है। थैंक यू सो मच। अविनाश खई हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच सर। धर्मेंद्र चंदेल जी हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच सर। एंड किरण भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ी है, जो कि रेडियो आर्टिस्ट है एंड बहुत ही अच्छी कवित्री है। संजय मंडलोई जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि बहुत ही अच्छे सिंगर है। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, जो जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। और मैम, सबसे पहले तो मैं श्रद्धेय श्री रामानंद सागर जी को नमन करना चाहूंगी। और मैम, मुझे पता चला कि उन्होंने आपको खुद ही कास्ट किया था। अगर देवकी जी का जी रोल की बात करें तो वो कहीं ना कहीं जो श्री कृष्णा है, श्री कृष्णा सभी के दिल के करीब है। और अगर हम देवकी की बात करें, इमेजिन करें, तो आपका जो वो चेहरा है वो नजर आता था, और आपने लोगों के दिलों में एक अलग ही छाप छोड़ी है मैम। तो उसके बारे जी में हम जानना चाहेंगे किस तरह से आप रामानंद सागर जी से मिली, और वो मोमेंट कैसा था, क्योंकि वो तो जो हमेशा अमर जी रहेंगे। अगर उनकी मैं बात करूं तो वो एक ऐसे पर्सनालिटी थे जिन्होंने सनातन धर्म की नींव को खड़ा किया है। देखिए रीत जी, वही जी मैं कहने चाह रही हूँ कि हम पापा जी को, रामानंद सागर जी को, सिर्फ एक तरफ से देखते हैं कि वो फिल्म डायरेक्टर थे, लेकिन उनका जो हाथ था, जो एक कल्चरल रिवाइवल कहेंगे कि हमारे शास्त्रों को लेकर, हमारे एपिक्स को लेकर, रामायण जैसी चीज को लेकर उन्होंने जो मासेस की तरफ एक मतलब झुकाव किया, और मासेस तक रामायण को पहुंचाया, कृष्णा को पहुंचाया, श्री कृष्णा को पहुंचाया, ये शायद कहीं ना कहीं उनका कंट्रीब्यूशन हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। हम सोचते हैं कि ओके, ही वाज अ कमर्शियल पर्सन, ही वाज ऑफ कोर्स डूइंग फिल्म्स, लेकिन अगर आप देखें तो उनके बारे में अगर मैं अभी पढ़ती हूँ, या पहले भी मैंने सुना था कि ही वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन संस्कृत फ्रॉम लाहौर,
और बिल्कुल पार्टीशन के टाइम में आए थे, तो मैंने उनसे भी उनके पर्सनल स्ट्रगल्स जो सुने, या उनके लड़कों से, जैसे प्रेम सागर जी है, आनंद सागर जी मेरे डायरेक्टर थे, मोती सागर जी मेरे डायरेक्टर थे, उनके जो पर्सनल स्ट्रगल्स ड्यूरिंग पार्टीशन था, दैट ऑल्सो शेप्ड व्हाट दे वेर डूइंग ऑन स्क्रीन। ओके, तो जो हार नहीं माननी है ना, ये बार बार रिपीट हो रहा है। रही बात मेरी एक्सपीरियंस विद पापा जी वाज, क्योंकि मेरे पिताजी तभी थे, वो ही वाज अलाइव एंड ही हैड सीन एन एड इन द पेपर, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया के 3rd पेज पे वो एड था, पोस्ट रामायण। और मेरी कथक की तालीम काफी चल रही थी, मैं परफॉर्मेंसेस कर रही थी, तो उन्होंने सोचा कुछ डांस मिल जाएगा, एक क्लासिकल। ऑडिशन के लिए जब मुझे बुलाया गया, तो मैं घुंघरू घुंघरू लेके गई थी, मेरी मम्मी के साथ गई थी, एंड वी केम फ्रॉम अ कम्प्लीटली नॉन फिल्मी फैमिली स्टेइंग एट दादर। उसके बाद जो हुआ, वो पूरी दिन जो उन्होंने ऑडिशन लिया बार बार, एंड दे गेव मी 2 रोल्स, एक सीता और एक रोल राम की मम्मी का दिया उन्होंने, तो ये दो रोल्स उन्होंने बोले। तो मैं समझ नहीं पाई कि माँ का मुझे कर रहे हैं और वाइफ का भी करा रहे हैं, मतलब यू नो टू नायिकास विच आर वेरी डिफरेंट। बाद में समझ में आया दैट शी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, बिकॉज देवकी इज द सिस्टर एंड शी इज अ मदर एंड शी इज ऑल्सो वाइफ, सो देर आर हमारे जैसे डिफरेंट रोल्स होते हैं लाइफ में, वैसे उसके भी थे। एंड बाय नाइट टाइम ही हैड डिसाइडेड, बाय अबाउट 10:30, 11, 11 कुछ, तो बहुत बहुत देर तक चली, काफी फिल्टरेशन हो गए, सबको भेज दिया गया लंच के बाद, एंड दे केप्ट ऑन ऑडिशनिंग मी, एंड देन ही वाज देयर, पापा जी वाज देयर, आनंद जी वाज देयर, एंड पापा जी वाज द फर्स्ट वन हु सेड ओके वी आर क्लियरिंग यू फॉर देवकी। तो आई थिंक तभी वो सिंक इन भी नहीं हुआ, यू नो आप इतने थके हुए होते हो, और मेरा ये पहला ऑडिशन था, मैंने कभी ऑडिशन ही नहीं किया था, मैंने कभी प्रिपेयर नहीं किया था, स्क्रिप्ट हाथ में दे दिया था। मेरी जो कथक की तालीम थी और हिंदी जो मैंने सीखा था मेरे गुरुजी से, क्योंकि हिंदी में पेपर्स लिखते थे थियरी के, तो वो सारा वहां पे एक मतलब काम में आ गया। उसके बाद आई स्टार्टेड नोइंग देम, आई स्टार्टेड नोइंग पापा जी, सो एक डिस्टेंस था, ऑफ कोर्स आई वाज इन ऑल ऑफ पापा जी, एंड ही वुड गिव वेरी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस और वेरी स्ट्रिक्ट, जिसको कहेंगे जब तक उनको ना लगे कि ओके क्लियर हो सकता है, आप मतलब 17 टेक लेंगे, 20 टेक लेंगे। तो आई वाज एट सच ए एज वेर दे कुड मोल्ड मी इनटू एन आर्टिस्ट, आप समझ रहे हो, आई वाज ऑलरेडी अ कथक डांसर, बट ये जो जो दुनिया थी वो बहुत अलग थी कथक से और परफॉर्मेंस से, वहां पे आप इतने दिन नहीं रहते थे, यहाँ पे यूनिट के साथ रहते थे, तो आई थिंक आई स्टेइंग आउटसाइड मुंबई वर्किंग विद द यूनिट, यू वर कंप्लीटली इमर्स्ड इन द कैरेक्टर। और फनी मजूमदार जी थे, हु वाज वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट विद हिम, बाबू भाई मिस्त्री वाज डूइंग स्पेशल इफेक्ट्स। तो ये जो दिग्गज थे, जो पुराने फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज थे, उनसे भी मुझे बहुत सीखने को मिला, और ये सारे हमारे बुजुर्ग थे। आई वाज व्हाट आई वाज 16 मे बी व्हेन आई स्टार्टेड शूटिंग विद देम, सो आई वाज लाइक अ समवेयर लाइक अ टीनेजर हु वाज थ्रस्ट इनटू दिस फिल्म इंडस्ट्री। लेकिन मुझे लगता है व्हेन यू आर हम्बल एंड यू फॉलो इंस्ट्रक्शंस एंड यू देयर इज अ सॉर्ट ऑफ ट्रस्ट, आज के जनरेशन में ये होता है कि पहले ही वो क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इंस्टेड ऑफ दैट आई थिंक वी नीड टू ट्रस्ट द पीपल वी आर वर्किंग विद एंड गिव योर बेस्ट, दैट्स ऑल। मैंने यही दो चीजें सीखी थी और यही मैंने फॉलो की, सो दैट वॉज माई एक्सपीरियंस। मेरे आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे थे, आई शुड नॉट से, आई मीन आई शुड रियली मेंशन दैट कि सुनील पांडे थे, रेशमा थी मेरे साथ, जी कवल थी, और शाहनवाज थे, प्रमोद कपूर, अतुल राज था, बहुत सारे आर्टिस्ट वहां पे मिले, एंड वी वर लाइक अ जी फैमिली एक्चुअली। थोड़े से कभी कभी पिकनिक्स में जाते थे, कभी मिलते थे, कभी स्ट्रगल हमारे एक साथ होते थे, कभी ना जूते घस के ओ स्ट्रगल होते थे, नॉट ऑनलाइन, सो दैट वाज अ वेरी डिफरेंट, जो एक ऑफिस में जाओ फिर दूसरे ऑफिस में जाओ फिर फोटोज छोड़ो, तो घर में आना जाना जी होता था इन लोगों का, और इट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस, एंड इट वाज नॉट दैट बिग बैड वर्ल्ड ऑफ सिनेमा जो हम सुनते हैं। फॉर्चुनेटली एटलीस्ट वर्किंग विद द सागर्स इट वाज समथिंग डिफरेंट। यस यस मैम, और रेखा जी लिखती है आपकी बहुत ही बड़ी फैन है, कि मैम हम आपके बहुत बड़े वाली फैन है, हमारा सबसे पसंदीदा धारावाहिक श्री कृष्ण है, हम डेली 5-6 एपिसोड देखते हैं, पर मन नहीं भरता, जितना देखो उतना ही देखने का मन करता है, आपका किरदार हमें बहुत ही पसंद है, देवकी का आपको देखकर लगता है कि सच में देवकी बिल्कुल ऐसी ही होगी, और मैं रेखा शर्मा की बात से मैं बहुत ही सहमत हूँ, क्योंकि श्री कृष्णा की अगर हम बात करें या रामायण की बात करें, तो
हमें लगता है अगर हम इमेजिन करें कि भगवान कैसे होंगे, तो आप लोगों के चेहरे नजर आते हैं मैम, क्योंकि आपने इतने अच्छे से उस कैरेक्टर को निभाया, और बहुत ही अच्छा लगता है कि आज मैं आपसे जुड़ी हूँ। और प्रेम सागर जी की अगर बात करूँ तो वो लाइक फैमिली की तरह है और बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी है। तो उन्होंने शो में एक किस्सा सुनाया था श्रद्धेय रामानंद सागर जी का, कि उनको 5-5 हज़ार श्लोक याद होते थे। वो देखिए, मैंने बहुत वही ही कहा ना ग्रेट। कि बहुत कम जी लोगों को पता है कि उनकी जो बैकग्राउंड थी, ही हिमसेल्फ वाज अ जी राइटर। अगर आप पीछे के पिक्चर्स देखेंगे, बहुत सारे साउथ के मूवीज जो हिस्टोरिकल मूवीज बने या माइथोलॉजिकल मूवीज बने, उसमें पापा जी ने बाकायदा स्क्रिप्ट लिखी, एंड ही वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन संस्कृत। आप देखिए उनका उनके पास कितना भंडार था। और जब वो मतलब एपिसोड के पहले समझाते हैं, और वो जो पढ़ रहे हैं, जैसे रामायण से पढ़ के समझाते हैं या श्री कृष्ण से पढ़ के, ही इज डूइंग अ लिटरल ट्रांसलेशन। उनको रेफरेंस करने की जरूरत नहीं, उनको ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ये अब मुझे समझ में आ रहा है, बिकॉज व्हेन वी आर आल्सो स्टडिंग फर्दर एंड वी आर आल्सो टीचिंग, तब मालूम पड़ा है कि उनका डेप्थ ऑफ नॉलेज कितना होगा। मतलब वो पूरी तरह शास्त्रों में डूबे हुए थे, एंड टेकिंग इट टू द स्क्रीन वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ ऑल दैट ही वॉज स्टडिंग और ही वॉज रीडिंग और ही हैज इंटरनलाइज्ड। तो ये हमारे लिए, हमको ये मानना होगा कि दीज वेयर द फ्रंट रनर्स ऑफ द कल्चरल रिवाइवल मूवमेंट, जो हम सनातन धर्म में मानते हैं कि एक रिवाइवल होनी चाहिए, कि हमारे चीजें मासेस तक पहुंचनी चाहिए। उसमें आई थिंक मैं पापा जी को बहुत श्रेय देती हूँ। अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि गवर्नमेंट्स के ये थे ऑपोजिशन, तो श्री कृष्णा हमको दूरदर्शन में पास करवाने में काफी दिक्कतें आई। एंड ऑफकोर्स देर वॉज कम्प्लीट लॉबी विच वॉज लॉबिंग अगेंस्ट दिस। रामायण को जो मिली वो शायद हमको नहीं मिली उस समय, बट यस, मॉरिशियस और दूसरी कंट्रीज में काफी हमें तभी प्रोत्साहन हुआ। बट दैट्स ओके। मतलब देखिए, कभी कभी होता है ना कि हम समर्पित कर देते हैं और काम को छोड़ देते, कि ठीक है हमने कर दिया है, उसके बाद देखा जाएगा। सो आई थिंक हमने भी ऐसे ही किया। और आर्टिस्ट सारे अच्छे थे, क्योंकि आप अगर इसको देखिए, स्वप्निल को या सर्वदमन को, तो दे लुक द कैरेक्टर्स, यू नो, दे आर लिविंग द कैरेक्टर्स। तो एंड वी वर नॉट एक्सपोज, वी हैव नॉट डन मेनी अदर रोल्स। मेरा तो पहला ही ब्रेक था, तो शायद हमारी आइडेंटिफिकेशन अच्छी थी, हमारे पास टीम वर्क बहुत अच्छा था। हमारा जो हमारी जो इवन ग्राउंड, इवन फ्रॉम द लाइट मैन टू एवरीबडी, आई थिंक एवरीबडी बिलीव्ड इन द वैष्णविज्म, वैष्णवाइट फिलोसॉफी, कहीं ना कहीं वो आस्था थी, एंड दैट केम फॉरवर्ड थ्रू द वर्क दैट वी वर डूइंग। यस यस मैम, राइट। और मैम उसके बाद आपने अलिफ लैला किया, संसार किया, चाणक्य, मिलान महल इत्यादि कई हिट शो में काम किया है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे मैम। हाँ, आई वर्क, मैंने चाणक्य में काम किया उसके बाद। तो चाणक्य की तो जी कास्टिंग हो चुकी थी, लेकिन डॉक्टर द्विवेदी वॉज माई जज इन एक ड्रामा कर रही थी, मैं सब्स्टिट्यूट में कर रही थी, वो भी ड्रामा कॉम्पिटिशन में। तो मैंने जाके काम करके मैं आ गई, मुझे समझ में नहीं आया, मैं समय हो गया था, रात हो गई थी, तो मैं निकल आई। भारतीय चौपाटी में था ये शो, तो वहां से आ गई। और बाद में मैं वैसे ही स्ट्रगल कर रही थी, तो द्विवेदी जी के ऑफिस में गई, उन्होंने अंदर से मुझे बुलाया, बोले इसको बुलाओ लड़की को। तो बोले आपको प्राइज मिला है, मैंने आपको फर्स्ट प्राइज दिया, आपको पता नहीं है? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। बोले जाके पहले तो प्राइज लो और फिर देखते हैं, कास्टिंग हो चुकी है, बट आई वांट टू यूज योर यू नो टैलेंट। तो फिर उन्होंने मुझे वो रोल दिया, जो मतलब जिसको बोलते हैं ना, द स्पाइज ट्रेन्ड बाय चाणक्य, सो दे आर ट्रेन्ड फ्रॉम चाइल्डहुड। और तक्षशिला में एक डांस सीक्वेंस था, और काफी सीन्स थे उसमें, ऑब्वियसली एडिट हो गए, बट वर्किंग विद दैट ऑल्सो चाणक्य वॉज वेरी वेल रिसर्च्ड। उसका अपना हाथ नहीं पकड़ सकते, क्योंकि आई थिंक डॉक्टर द्विवेदी वॉज लिविंग द रोल ऑफ चाणक्य, ही वॉज यू नो विद दैट। देखिए, मैं ऑलवेज मानती हूँ कि दो टाइप लोग रहते हैं, मतलब कोई भी इंडस्ट्री ले, आप इवन एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ले, या आप आर्ट इंडस्ट्री ले, इंटरटेनमेंट ले, अभी बहुत सारे आर्टिस्ट आपके साथ जुड़े हुए जो रेडियो में है, जो ये है। जैसे एक होता है जो अमीन सयानी जैसे है रेडियो में, तो ही इज इमोर्टल बिकॉज एवरी टाइम ही हैज पुट इन 100% टू हिज वर्क। एवरी टाइम ही केम ऑन एयर, एवरीबडी रिमेम्बर्स हिम बिकॉज अमीन सयानी इज अ बिग नेम, बिकॉज उन्होंने उतना दिया। तो
जो दो ग्रुप्स ऑफ लोग मैं बोल रही हूँ, एक होते हैं जो बोलते हैं कि चलो ये गाना मैंने बनाया, जैसे आप म्यूजिक डायरेक्टर है, म्यूजिक कंपोजर है, तो चलो मेरा ना हिट गाना होना चाहिए टिल ये नवरात्रि तक, गरबा चल जाए उसके बाद कुछ भी हो। एक नौशाद साहब है, उनके गाने इमोर्टल ही रहेंगे, आरडी के गाने इमोर्टल रहेंगे, एसडी बर्मन के गाने, बिकॉज दे फेल दैट द वर्क शुड स्टे इमोर्टल। आप समझ रहे हो? तो एक कैटेगरी वो है, एक कैटेगरी है कि मैंने पैसा बना लिया, आई एम डन, आई एम ओवर। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ आउटलुक। जैसे आज आप चाणक्य का हाथ नहीं पकड़ सकते, मिलन महल ऑल्सो वॉज वेरी गुड, संसार ऑल्सो अगेन अ वेरी डिफरेंट, बट पहले के सीरियल्स में एक ऑथेंटिसिटी होती थी जो शायद अभी हमें नहीं दिखता। मतलब हम जब साड़ी वाड़ी पहन के भी खड़े होते थे उस सीरियल में, हमारी मेकअप भी ना बहुत ही मेलोड होती थी। आप अगर देखिए, मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि देवकी आज आपको अच्छी लग रही है, जैसे रेखा जी ने अभी कहा, क्योंकि मेरा मेकअप देवकी जैसा था। इट इज नॉट सम और 20th सेंचुरी, यू नो, देवकी पीपिंग आउट फ्रॉम इन अ सारी विद ग्लिटर एंड ग्लिटर मेकअप एंड वेरी गोल्डन मेकअप एंड ऑल दैट। इट वाज वेरी नॉर्मल एक्चुअली। जैसे जैसे एजिंग करते थे तो मेरे चेहरे को और वो डाउन करते थे, जबकि मैं यंग थी, सो माय एजिंग प्रोसेस वुड टेक टाइम। और मेरी जो साड़ी थी वो एक ही सूत साड़ी को उन लोग लिटरली मट्टी में डाल के फिर मुझे पहनाया जाता था। साड़ी पहने में मुझे 5 मिनट लग जाते थे, बट वॉट आई वॉज जी डूइंग वॉज आई वॉज लिविंग द रोल, यू अंडरस्टैंड। तो ये मैं नहीं देख रही थी कि अरे मेरी साड़ी गंदी लगेगी, मट्टी लगा दिया, ये नहीं। वी वर बियॉन्ड दैट, वी हैड ट्रांसेंडेड दोज लिटिल थिंग्स, बट दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। सो द मेकअप टीम, माई हेयर ड्रेसर, एवरीबडी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ टीम वर्क। और ये शायद हम लोग भूल जाते हैं कि अभी है कि हाँ ऑथेंटिक दिखना है, लेकिन आप मुझे बोलिए देवकी अगर लॉन्ग नेल्स लेके खड़ी हो जाती है तो क्या वो मतलब यू नो यू पुट दोस फॉल्स नेल्स आजकल जो चल रहा है, वुड आई बी देवकी? सो आई थिंक वी रियली हैव टू वर्क। जो आप कह रहे थे कि पहले के सीरियल्स का जो काम होता था बहुत ही फ्रेंडली होता यस था, बहुत ही वार्म रहता राइट था। मैम, इट वाज यू कुड से द टीवी इंडस्ट्री वाज जस्ट गोइंग कमर्शियल, तो एक फैमिली जैसा यस काम होता था, यू नो। स्मार्टफोन्स तो नहीं थे, डिजिटल नहीं थे हम लोग, बट इट वॉज नॉट प्रोफेशनल, अवर वर्क वॉज प्रोफेशनल, बट अवर हमारे रिश्ते जो थे वो शायद मैं कैसे बता सकती, थोड़े से अलग थे। मतलब एक घर जैसा माहौल होता था, जब आते जाते थे आते थे तो एक फैमिली जैसा माहौल होता था, यू नो। तो अगर मेरी शूट भी नहीं है तो मैं जाके बैठ भी जाऊं उनकी शूट में टू अंडरस्टैंड व्हाट माय कैरेक्टर इज, हाउ यू नो हाउ द कैरेक्टर इज प्रोग्रेसिंग, तो किसी को बुरा नहीं लगता था उस समय, बोलते थे वाओ शी इज इन्वॉल्व्ड इन हर वर्क ऐसे। ओ सो जी। और पवन कुमार यदुवंशी जी हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छा लिखा है, क्योंकि आपने जैसे पुराने सीरियल की बात की, उस टाइम के जो 90 के दशक की बात की, तो इन्होंने बहुत ही अच्छी बात लिखी है। श्री कृष्ण सीरियल में देवकी का रोल आपका बहुत ही अद्भुत और अद्वितीय है। आपका रोल सदैव अमर रहेगा और आपको मेरा हृदय तल से बारंबार प्रणाम। ये बात बहुत ही अच्छी लिखी है, क्योंकि जो रोल आपने किए हैं मैम, वो हमेशा अमर रहेंगे, चाहे कितनी भी पीढ़ियां आए। श्री कृष्णा की बात करें, चाहे हमारे रामायण की बात करें, और रामायण से भी हमारे साथ गिरीश सेठ जी जुड़े हैं, जिन्होंने नल का रोल किया है। थैंक यू अच्छा सो हाँ मच गिरीश सर याद है, जी। और जाऊंगी अरे गिरीश चली दादी खान जी जुड़े हैं। यस हाँ जी। और आपके लिए एक क्वेश्चन भी है, श्री कृष्ण सीरियल के बाल कृष्णा कलाकारों के बारे में बताने की कृपा करें। एक्चुअली वी आर नॉट इन टच, वी आर नॉट इन टच, क्योंकि जब जो बाल कृष्ण होते थे उनके पिताजी और ये माताजी आते थे, तो आई जी थिंक हम लोग तो मुंबई बेस्ड थे, वो शायद मुंबई के बेस्ड नहीं थे, वो गुजरात बेस्ड थे। और उस समय ऐसे नहीं था कि यस स्मार्टफोन से व्हाट्सएप पे आप जुड़ गए तो अपना अपना काम करके जी निकल राइट जाते थे। आई हैव अंडरस्टूड दैट एक जो लड़की को लिया था वो बड़ी हो गई है एंड शी इज बेस्ड आउट ऑफ सूरत, जी तो मुझे पता है। बट जो बाल जो छोटे छोटे बच्चे आते थे ना उनके में हम तो टच में नहीं थे, क्योंकि जी यू आर शोइंग अ ग्रोइंग किड ना, तो हर एक बार अलग अलग बच्चे ले रहे थे हम लोग काफी, एंड दैट वॉज जी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि
जो कैसे बोले, कंस के साथ जो खींचातानी होती थी, दैट जी यूज टू बी, मेरे लिए तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी, क्योंकि बच्चे के जो नेक होता है ना, वो थोड़ा सा वीक होता है. सो वो मुझे बहुत संभालना पड़ता था. पापा जी, मतलब जो भी मेरे डायरेक्टर होते थे, आनंद जी हो, पापा जी, उसे प्लीज ये संभालना. एंड उसमें तो मेरा, मतलब आई माई यूज टू पैल्पिटेट, माई हार्ट वुड बी इन माई माउथ, यू नो, कि बच्चे को कुछ नहीं हो जाए, क्योंकि मम्मी वो बैठी रहती थी मॉनिटर रूम में. सो वी हैड टू बी वेरी केयरफुल, बट वी हैड टू शो द फोर्स एंड द वायलेंस. जो एक चाइल्ड किलर का वायलेंस होता है ना, वो दिखाने के लिए, और आपका जब बच्चा लिया जा रहा है, तो उस मैं आई टू बी मुझे ना थोड़ी टाइम लगती थी रिकवर होने, मतलब फ्रॉम द सीन होने के बाद. जब शाम को हम पैकअप करते थे या रात को पैकअप करते थे, तो मेरी आंखें सूजी होती थी, और आई टू बी वेरी लो. उसके बाद आई हैड टू लिटरली यूज सम टेक्निक्स टू कम आउट, क्योंकि देखिए, आई वॉज नॉट अ मदर देन, लेकिन एक मदरली जो इंस्टिंक्ट रहता है, और आई एम एन एनिमल लवर, तो मैंने तो बहुत एनिमल्स को मैंने देखा था बड़े होते हुए वगैरह, एंड आई वर्क विद एनिमल्स जी काफी, एनिमल वेलफेयर में. तो वो जो होता है ना, कि बच्चे, सी आई नो इट इज इट्स ऑन फिल्म, आई नो इट्स, वी आर जस्ट इनएक्टिंग, लेकिन वो जो थिन लाइन है ना, कि एक्टिंग, इनएक्टिंग एंड रियलिटी में, वो कहीं ना कहीं ब्लर्ड हो यस जाता है, और आपके मन में बहुत सारी ऐसी होती कि क्या हुआ होगा. मैंने तो देवकी नहीं देखी थी, राइट मैंने तो कृष्णा नहीं देखी. वो जो फीलिंग जो होती थी ना, वो मैं समझ सकती थी, वो इमोशन को. और जैसे कहते हैं ओ कि इवन देवकी हैज बीन एन इंस्पिरेशन फॉर मी इन माय पर्सनल लाइफ. सो माय इनएक्टमेंट ऑफ देवकी, मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया प्राइवेटली जी कि वी वर गोइंग थ्रू अ वेरी लो फेज, और हमने सोचा अगर देवकी कैन कम आउट ऑफ इट एंड देर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, तो शायद हम भी अपने उस प्रॉब्लम से निकल सके. तो मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ये रहा है कि देवकी हैज बीन इंस्पिरेशनल, माय इनएक्टमेंट ऑफ देवकी यस हैज बीन इंस्पिरेशनल टू अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव कम आउट ऑफ देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स और देयर सिचुएशंस. तो एक तरह से हम थेरोपेटिक भी रहे हैं, क्योंकि उनको एक कैथार्टिक जी इफेक्ट मिलता है, कि मेरे दुख को देख के वो लगता है कि इनका दुख इतना बड़ा है, तो मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है. इस तरह से मुझे काफी मैसेजेस है पर्सनल पे, व्हेन दिस वाज टेलीकास्ट अगेन, और लोगों ने जी यूएस वगैरह, आउट ऑफ इंडिया से भी मुझे कॉल करके बताया कि हम बचपन में देखते थे, तभी 25 के थे, 20 साल के थे, नई जगह पे थे, जी और बहुत तकलीफ थी, लेकिन आपकी वजह से, जी आपका इलेक्शन देख के हम स्पिरिचुअलिटी में आए, एंड देन दैट बिकेम अ, यू नो, अ प्लेस वेयर वी कुड होल्ड अवर सेल्व्स टुगेदर. ओ, और मैम कितना मुश्किल था आपको देवकी का करेक्टर करना, क्योंकि काफी कुछ सहना पड़ता था। देखिए, अभी मैं जब देखती हूँ ना, अगर आप मुझे ये जी 30 साल पहले बोलते, तो मैं बोलती थी ऑन अ ग्रेड ऑफ 1 to 10 तो 10 है. लेकिन व्हेन आई लुक बैक, आई थिंक आई एम वेरी लकी टू हैव गॉट दिस रोल. देखो, आज भी लोग मुझे बोलते, जो मेरे आसपास भी है, मेरे म्यूजिशियंस है या मेरे को आर्टिस्ट है, तो वो कहते हैं कि हर एक को भगवान की माँ बनने का सौभाग्य नहीं मिलता. सो कहीं ना कहीं, When you are given that kind of a role, I feel that I was very lucky कि आपको उस तरह का रोल इनेक्ट करने को ही मिला. तो वो एक आई फील ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड एक्चुअली. हाँ, मेहनत तो, मैं बहुत छोटी थी, मुझे ना एक ममता जो कहते हैं, उसको मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था, बट आई वॉज अ वेरी गुड ऑब्जर्वर. और ये मेरी गुरुजी ने, जो कथक की गुरु थी रमादेवी लक्ष्मी महाराज, उन्होंने मुझे ये अंदर डाला हुआ था कि हर चीज हम एक्सपीरियंस तो नहीं कर सकते, बट जो मेथड एक्टिंग कहते हैं, या जो हम डांस में भी अभिनय यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व करते हो कि एक माँ कैसे रिएक्ट करती है, क्या होता है उस समय, मन में क्या गुजरती है, कि पहला भी जा रहा है, दूसरा भी जा रहा है, मतलब आप 9 महीने, यू आर द चाइल्ड इज इन द वूम एंड देन इट कम्स आउट एंड देन इट्स टेकन अवे फ्रॉम यू. तो वो क्या क्षण होता है, मतलब आई कैन नॉट टेल यू. देर वर टाइम्स वेन आई टू फील आई डोंट, मुझे शूटिंग में जाना नहीं है, आई टू फील सो ये अंदर से, बट वो एक कमिटमेंट था. एंड ऑफकोर्स हम स्टोरी तो जानते हैं कि वो वापस बाद में वहां आ जाते हैं बच्चे, तो वो पता था कि देर इज, यू नो, पॉजिटिव है वो स्टोरी कहीं ना कहीं. लेकिन वही मैं कह रही हूँ कि तकलीफ बहुत होती थी फिजिकल भी, इस रोल को इनेक्ट करने के लिए फिजिकलिटी बहुत थी, चाहे आप लगे कि आप बैठे हो, ये है, बट
आई हैड टू इनैक्ट अ प्रेग्नेंट वुमेन, आई हैड टू इनैक्ट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी फॉर एवरी चाइल्ड, विच इज ऑफकोर्स एडिटेड क्वाइट अ बिट. एंड उसके बाद जब बच्चा जन्म होता है, हर बार कंस के साथ बात करना, सुनील जो वासुदेव बना है उनके साथ, उसके ड्रीम्स, उसके होप्स, उस औरत के एस्पिरेशंस, एंड इवन व्हेन ही इज ग्रोइंग देयर, व्हेन ही हैज बीन वहां पे फेरेड करके गोकुल में है, वृंदावन में है, तो वो जो चिंता है माँ की, मेरा बच्चा यू नो, तो ये सारी बातें, बिकॉज शी सीज हिम ओनली व्हेन ही कम्स बैक, तो शी हैज मिस्ड आउट ऑन हिज चाइल्डहुड. आप सोचिए ये बात को, कि बहुत बड़ी बात है, कि ठीक है आपके बच्चे मर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन बच्चा है, आपको इतना ही पता है, सो यू आर होल्डिंग ऑन टू दैट लिटिल स्लीवर ऑफ होप जिसको हम कहते हैं. तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, आई एम टेलिंग यू, बहुत ही कठिन रोल था, लेकिन क्योंकि आई हैड अ वेरी गुड एंड आई हैड द ब्लेसिंग्स, एंड आई थिंक ऐसे अगर डायरेक्टर नहीं होते तो शायद मैं नहीं करता, शायद. मुझे अभी लगता है कि पापा जी अगर नहीं होते, अगर आनंद जी मोती सागर नहीं होते और इस तरह की टीम नहीं होती, तो शायद हम उतना नहीं कर सकते, मतलब कर लेते बट इट वुड बी जस्ट ओके. सो मेरी मेहनत नहीं, सबकी मेहनत. सैल्यूट टू यू मैम. सच में आपने जो देवकी का रोल किया, क्योंकि आज भी हमारे जो देवकी की बात करें तो आप नजर आते हो, और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम आपसे मिल रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सीरियल की बात करें, श्री कृष्णा में बहुत देखती थी, रामायण की बात करें, रामायण तो कहीं ना कहीं जो रामायण है, श्री कृष्णा है, वो हमेशा के लिए अमर हो गए, और कहीं ना कहीं आप पे भी भगवान की ब्लेसिंग है जो आपको मौका मिला श्री कृष्ण जी की माँ बनने का, तो बहुत ही बड़ी बात है. और इसके अलावा आपने अलिफ लैला किया था, जिसमें आपने शाहज मानी जी का रोल किया था, वो भी बहुत ही अच्छा रोल था मैम जी. वो बिल्कुल अलग ही रोल था, क्योंकि उसमें तो मुस्लिम लेडी दिखाई है, एंड वो भी ऐसे है कि जैसे हम कथक को अगर डिवाइड करते हैं तो एक हिंदू है और एक मुगल मुगल ये है इन्फ्लुएंस, यू नो वी हैव द हिंदू एंड एन इस्लामिक इन्फ्लुएंस. तो जो मुझे उसकी ड्रेसिंग सेंस थी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल चेहरा बदल दिया था, आनंद जी वाज डायरेक्टिंग इट. ऑफ कोर्स बिकॉज आई एम एन आर्टिस्ट, आई हैव टू मोल्ड माई सेल्फ टू द कैरेक्टर, आई हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द स्टोरी लाइन इज, और वहां पे भी सेपरेशन है, वहां पे भी सेपरेशन है, एंड बट इट्स अ डिफरेंट, इट्स अ वेरी मतलब जिसको कहते हैं ना, इट्स नॉट स्पिरिचुअल, इट इज जस्ट अलिफ लैला, यू नो वाज जस्ट लाइक एक फैमिली का प्रॉब्लम है और फिर वो जाता है, सो इट्स मैजिकल एंड ऑल दैट. तो उसका एक अप्रोच अलग रहता है. चाणक्य वॉज हिस्टोरिकल, तो चाणक्य अलग था, सोशल अलग रहता है. आई थिंक एज एन आर्टिस्ट आई ऑलवेज फील, जैसे हम कहते हैं ना गाने में, कि पहला जो स्वर, आप तो गिटारिस्ट हो, तो पहला स्वर अगर आपका ठीक लग जाता है ना, तो आपका सारा रिसाइटल ठीक हो जाता है. तो हमारे में डांस में कहते हैं कथक में, कि पहला धा अगर आपका ठीक लग गया, आपने एंट्री ठीक ले ली और पहला धा आपका सम पे आ गया, आप थोड़ा करके आप उठान करके आ गए, तो यू वी नीड टू जस्ट लुक एट दैट थ्रेड, यू नो उसमें धा पहला लग गया तो वो सारा फिर ठीक हो जाता है. सो आई थिंक दैट इज व्हाट आई ऑलवेज गो फॉर. राइट मैम. और जैसे कथक की बात की है, लेकिन आपने मैम इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स में भी एमए की है, कथक डिप्लोमा किया है, संस्कृत में डिप्लोमा किया है, फिल्म एंड वीडियो में डिप्लोमा किया है, तो ये सब कैसे करते हो आप? इंडियन आर्ट में आपने डिप्लोमा किया है, तो इतनी सारी डिग्रियां. सी मैंने पहले ही कहा ना, मेरे पिताजी डॉक्टर थे, माय मदर वाज अ लॉयर, शी हैड डन एमएससी, शी वाज इंटरेस्टेड इन लैंग्वेजेस. तो एजुकेशन आप कहिए या नॉलेज, बेसिकली सीकिंग, देखिए एक होता है नॉलेज सीकिंग, एक होता है एजुकेशन जो आपको असिस्ट करता है कि आपको एक नौकरी लेनी है या तो जैसे जैसे मेरे पास चांस आए, जैसे आप अगर देखेंगे तो संस्कृत जाना बहुत जरूरी रहता है, तो इसलिए मैंने वो डिप्लोमा कर लिया कि देन आई कैन इंटरप्रेट एंड री इंटरप्रेट वॉट आई वॉन्ट टू से, क्योंकि हम कथा कहे सो कथक कहा वे वो कहते हैं, तो मुझे कथा जो है, कथावाचक बनने के लिए मुझे कहीं ना कहीं मेरे शास्त्रों को पढ़ना होगा.
ट्रांसलेशन तो हम पढ़ लेते, थोड़ा बहुत मैं समझती हूँ संस्कृत, मैं कोई पंडित वगैरह नहीं हूँ उसमें। उसके साथ साथ मैंने फिल्म वीडियो इसीलिए किया ताकि इट विल हेल्प मी इन ग्रोइंग एज एन आर्टिस्ट। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने बैक ट्रैक किया एंड आई केम ओनली इन टू कथक, क्योंकि मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब थी एंड अबाउट 10 ईयर्स आई हैड टू लुक आफ्टर हिम। बट एक बात जरूर है कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि अगर मैं नहीं करती तो मे बी आई वुड नॉट बी एबल टू लिव विथ माई सेल्फ। वो मेरा कर्तव्य भी था और मेरा प्यार भी था, तो और मेरे भाई उन्हें लास्ट तक मेरा साथ दिया, तो मैंने कथक की तरफ झुकाव किया। और अभी मैंने मास्टर्स किया कथक में, मैंने नेट क्लियर किया एंड नाउ आई एम परसुइंग फर्दर स्टडीज, PhD कर रही हूँ, संगीताचार्य कर रही हूँ। तो ये जो पढ़ाई का सिलसिला है ना, वो हमारे घर में है। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने एक लाइब्रेरी को भी मैंने फाउंड किया है, नृत्य दर्पण फाउंडेशन लाइब्रेरी, जो कि रिसर्चर्स के लिए या स्टूडेंट्स है, जो टीचर्स है उनके साथ, वो बच्चे आके यहाँ पढ़ सकते हैं। जो किताबें हैं डांस, म्यूजिक, स्कल्पचर, पेंटिंग, इंटरडिसिप्लिनरी, शिव पुराण, पौराणिक लिटरेचर, उसका सारा मैंने मेरे लाइब्रेरी में रखा है, ताकि बट इट्स अ रेफरेंस लाइब्रेरी, इट्स अ फिजिकल लाइब्रेरी, ताकि लोग आके पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। सो दे कॉन्टेक्ट मी एंड दे कम विद अपॉइंटमेंट, एंड दिस इज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लाइब्रेरी इन मुंबई, अ प्राइवेट ओ वाओ लाइब्रेरी ओनली डिवोटेड टू आर्ट्स रिसर्च प्राइमरीली। तो मेरे पास वाओ जूनियर फेलोशिप, सीनियर फेलोशिप होल्डर्स, PhD रिसर्च स्कॉलर्स, संगीताचार्य रिसर्च स्कॉलर्स, तो आप म्यूजिक में हैं, आप पखावज में हैं, आप कोई भी इंटर डिसिप्लिनरी फॉर्म को ये कर रहे हैं, विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, राजपूत पेंटिंग्स, मिनिएचर पेंटिंग्स, तो दे कम टू द लाइब्रेरी। ये मेरी माँ का सपना था, बिकॉज शी वॉज अ लाइब्रेरियन हरसेल्फ। तो मैंने कोशिश किया है वाओ कि मैम, मेरे सपने, मुझे पता नहीं दूसरों के सपने जो चले गए हैं और जिनको मैं लुकअप करती हूँ। मेरी गुरु का भी सपना था कि इस तरह से कुछ करो, कुछ लिखो, जी तो मैंने वो 2 किताबें लिखी कथक के ऊपर और मैं आगे भी जी लिखूंगी। तो ओ वाओ ये, तो दीस पीपल हैव इन्फ्लुएंस्ड मी एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कैरी ऑन द लेगेसी ऑफ माय गुरुजी, एंड आई वुड लव टू कम बैक टू फिल्म्स एंड सीरियल्स अगेन, बट देखते हैं अभी कोविड के बाद क्या होगा। सो दैट इज माय ओ लाइफ जर्नी। ग्रेट मैम। और कथक की बात करें तो देश विदेश में आपने कथक को प्रमोट किया है और काफी जगह पे परफॉर्म भी किया है, काफी उत्सव में और USA में। उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे मैम, कथक के बारे में। हाँ, आई थिंक आई टूर तीन तीन बार मेरे टूर्स हुए हैं वहाँ पे, और एक वाज व्हेन वी रिप्रेजेंट इंडिया ना, तो इट्स अ मैटर ऑफ ऑनर, बहुत ही प्रेस्टिजियस होता है, तो हमें बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती है। एक मैं टूर के बारे में बताना चाहती हूँ कि हम अपने पर्सनल रेपर्टोर तो नाच रहे थे, लेकिन वहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं उनके सामने हमें परफॉर्म करना था 15 अगस्त के आगे पीछे, सेप्टेम्बर में जैसे, और वी हैड चोजन थीम ऑफ नेशनलिज्म इन, मतलब भारत को हमने चूज किया था। तो वहाँ के कुछ आर्टिस्ट को हमने ट्रेन किया एंड मेरा एक एक्सपीरियंस जो था, जब हम परफॉर्म कर रहे थे वंदे मातरम इन कथक एंड फ्री स्टाइल पे, हमने वहाँ के आर्टिस्ट को लेके भी किया था ग्रुप में, सो देयर वर मेनी पीपल इन द ऑडियंस हु हैड सफर्ड पार्टीशन। शायद हम ये सब भूल जाते हैं, पार्टीशन है, कश्मीर जेनोसाइड है, इन चीजों को नहीं भूलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। एंड राइट मैम, वो पार्टीशन से निकल कर उन्होंने, सिंधीज थे बहुत सारे उसमें, पंजाबीज थे, तो उन्होंने वहां से निकल कर अपनी लाइफ बनाई थी, उनके ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, फिर उनको विजिट करने आ गए US में, बट दे वर क्राइंग सो मच बिकॉज दे वर मिसिंग इंडिया, बिकॉज दैट वॉज द ओनली प्लेस दैट दे हैड सेंचुरी। और बहुत इस तरह के लोग आके हमको ब्लेसिंग कर दे रहे थे कि आपने बहुत, मतलब हम बहुत सालों से यहाँ रह रहे, ग्रीन कार्ड भी ले लिया कि बच्चों के पास रहे, बट वी आर रियली मिसिंग इंडिया, इंडिया भी नहीं कहूंगी, भारत कहूंगी। तो शायद हम, हमारी जो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी या स्टॉकहोम सिंड्रोम मैं कहती हूँ जिसको, एक है कि हम बरी कर देते हैं, द ज्यूज नेवर फॉरगॉट द होलोकॉस्ट, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, एंड वी शुड नेवर फॉरगेट द जेनोसाइड बिकॉज दिस इज नाउ अ सिविलाइजेशनल बैटल। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे जो काम है, मैं जब भी सेमिनार करती हूँ, जो भी वर्कशॉप्स करती हूँ, आई हाईलाइट व्हाट इज इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द कल्चरल फॉर्मेट ऑन आउटसाइड टू द वर्ल्ड। तो ये हर एक आर्टिस्ट, आप चाहे नाचने जाओ, ठीक है, आप फिल्म
लेके जा रहे हो, चलो फिल्मी प्रोग्राम्स, लेकिन आप स्टेज पे क्या कर रहे हैं ये थोड़ा सा अगर हम, बिकॉज पीपल आर लुकिंग अप टू अस, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। मैं तो बहुत छोटी आर्टिस्ट हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हम शायद कहीं ना कहीं यू नो वी डू नॉट हैव आइकॉन्स टू लुक अप टू नाउ, जबकि पहले हमारे पास आइकॉन्स थे। तो वैसे फिल्में भी नहीं, थोड़ी बहुत अभी बनने लगी, काफी बन रही है अभी तो, देर इज अ प्लेथोरा ऑफ दोस फिल्म्स, बट बीच में नहीं थी। बीच में जो भी था वो एक बस एंटरटेनमेंट, ओनली एंटरटेनमेंट बोलते ना, जैसे ओनली एंटरटेनमेंट तो 100%। तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस्ड रहना चाहिए कि एंटरटेनमेंट के साथ, क्योंकि ऑलवेज आप कोई भी कहानी ले लेते हैं इंडियन, इसमें से स्क्रिप्चर्स से या कहीं से भी, एपिक से, द गुड ओवर इवल इज ऑलवेज देयर। तो ये हमें ऑलवेज भूलना, जैसे मैंने डांस में ना, मैंने कर्ण कुंती संवाद किया, मैंने गांधारी कृष्ण संवाद किया, मैंने अर्धांग किया, अर्धनारी नटेश्वर, इस तरह की चीजें मैंने की, अष्टनायिकाओं पे काम किया ऑन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। सो आई ट्राई टू मेक इट एक्सेसिबल टू अ जनरल पब्लिक एंड देन स्टिल गेट द मैसेज। सो ये एक एफर्ट मैं करती जाती हूँ, और ये मैं फॉरेन में भी मैंने किया है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओ तो वाह ये मैम, मैं, वाह हेड्स अप मैम। थैंक यू सो मच। यस, और मैम आपको श्रृंगार मणि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। हाँ, श्रृंगार मणि पहले था, सुर श्रृंगार संसद करके संस्था थी, और बहुत बड़े जी बड़े आर्टिस्ट, मतलब श्रृंगार मणि वाज अ वेरी वेरी प्रेस्टिजियस थिंग। तो वी हैड टू गो थ्रू, आई रिमेम्बर आई वाज सिलेक्टेड फॉर रिपब्लिक डे आल्सो, उस समय तो मैंने वो छोड़ा इसके लिए, एनसीसी के थ्रू आई वाज अ कल्चरल कैडेट, और मैं एक पॉइंट तक गई, लेकिन वो डेट्स क्लैश हो रहे थे, तो मैंने कहा मैं नहीं कर सकती। तो ये सुरसिंगर जी संसद में पहले कलकी कलाकार सम्मेलन होता है, उसमें जजेस बैठते हैं, फिर आपको क्लियरेंस मिलता है, एंड द बेंचमार्क इज वेरी टफ टू क्लियर। मैंने मैडम जी मेनका ट्रॉफी जीता 2 साल मुंबई यूनिवर्सिटी का, फिर मैंने सीसीआरटी स्कॉलरशिप भी मुझे मिली। सो यस, आई थिंक ये जो मिलता है ना, ये जो हमें जो अवार्ड्स मिलते हैं या जो भी मिलते हैं, दैट वैलिडेट्स अवर वर्क। मतलब आप जो राइट काम कर रहे हो, आप सही रास्ते पे है या नहीं है, ये हर बार मैं रिथिंक करती हूँ जब भी मुझे कोई अवार्ड देता है, कि एम आई मेकिंग एनी जी मिस्टेक्स, शुड आई रेक्टिफाई एनी रॉन्ग्स, या फिर मैं ठीक है मिल रहा है चलो ले लिया खत्म। नहीं, तो जी क्योंकि उसपे फिर आपके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एज अ टीचर कहिए, परफॉर्मर कहिए, आर्टिस्ट कहिए, एज अ सिटीजन ऑल्सो, कॉमन सिटीजन, की आर यू ऑन द राइट पाथ और नो। सो दैट काइंड ऑफ क्लियर्स द पाथ एंड शोज यू कि ओके यू आर डूइंग द राइट थिंग। इफ समबडी इज, जैसे आपको भी अभी अवार्ड मिला, तो दैट गिव्स यू द इम्पोर्टेंस कि मुझे आगे काम करना है। आपने शुरू किया था कोविड यस में, ठीक राइट है, मैंने उसकी स्टोरी पढ़ी, तो आपने कोविड में शुरू किया, जी चलो, बट अभी लगता है कि नहीं, इसको कंटिन्यू करना है, इसके शायद दूसरे और बेनिफिशियरीज होंगे जो, और मैं उनको ला सकती हूँ एक ऑडियंस के सामने। तो इट डज हेल्प, इट राइट डज हेल्प। राइट मैम, बिल्कुल सही कहा है। और कहीं ना कहीं हम भी खुद को मोटिवेट होते हैं। तो जैसे कि आज हम आपसे मोटिवेट हो रहे हैं और आज हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है मैम। और मैम मैं जानना चाहूंगी इसके अलावा और क्या क्या हॉबीज है आपकी और क्या क्या करते हो आप? मेरी हॉबीज और मेरे पैशंस बोलूंगी मैं, हॉबीज तो नहीं बोलूंगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि 2-3 घंटे ही देते। एज आई जी सेड, मेरा पैशन है कि मैं एनिमल वेलफेयर में हूँ, आई लव टीचिंग, ओ मैं आई टीच कथक ऑफ कोर्स, और जो मुझे रिलैक्स करता है वो शायद रीडिंग है, आई रीड, और जब भी समय मिलता है तो सो जाती हूँ, मुझे बहुत थकान हो जाती है, तो सो नींद, स्लीपिंग इज ऑल्सो वन हॉबी ऑफ माइन नाउ, इट हैज बिकम अ हॉबी एक्चुअली, एंड आई वर्क इन एनिमल वेलफेयर क्वाइट अ बिट। सो ऑल्सो आई एम नाउ गेटिंग इन टू द नॉट पॉलिटिकल एराइना, एज अ ग्राउंड वर्कर मैं थोड़ा बहुत काम करती हूँ। हम कोशिश कर रहे हैं जी कि हमारी जो एरिया में इम्प्रूवमेंट्स है, वो इम्प्रूवमेंट में हम थोड़ा सा उनके साथ दे, बिकॉज देखिए एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। आज अगर इलीगल पार्किंग है या कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, सो यू नीड पीपल टू अप्रोच, अगर हम अप्रोच करते हैं ऑफिशियल्स को तो वो काम करते हैं। तो आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन दैट ग्राउंड लेवल, ट्राइंग टू गेट थिंग्स डन विथ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर लाइक माइंडेड। और हॉबीज
कुकिंग इज नॉट माई हॉबी. आई कुक वेल अकॉर्डिंग टू पीपल, बट कुकिंग इज नॉट माई हॉबी. आई लव टू ईट गुड फूड. मुझे आई लाइक टू सी गुड मूवीज. मैंने अभी पवन खिंड करके मराठी पिक्चर देखी. आई थिंक आई वुड सजेस्ट दैट यू यू शुड वॉच इट. इट्स ब्यूटिफुल. शिवाजी ओ महाराज के, हाँ, तो बाजीराव के ऊपर देश पांडे, देश पांडे. तो वो जी एक फिल्म मैं देखती हूँ, थिएटर देखती हूँ. आई ट्राई टू अटेंड एज मेनी कॉन्सर्ट एज पॉसिबल. दैट रियली हेल्प्स. लेकिन वो पैशन और हॉबी के वो बीच का भी ये हो गया है थोड़ा सा. आई राइट ऑल्सो. आई जस्ट नाउ रिटन टू आर्टिकल्स फॉर कला वसुधा मैगजीन विच इज प्रिंटेड फ्रॉम लखनऊ. तो एक सितारा जी के ऊपर मैंने लिखा, सितारा देवी, और एक मैडम मेनका एंड लच्छू महाराज. मैडम मेनका वॉज द फ्रंट रनर विथ उदय शंकर जी. तो शी वॉज अ बंगाली लेडी, शी वॉज मैरिड टू कर्नल सोखी. और लच्छू महाराज जी ने, आप जाके देखिए, मैडम मेनका का एक फिल्म भी दिखता है, जर्मन फिल्म में होना चाहिए. तो लच्छू महाराज जी जो हमारे घराने, जिनकी घराने को मैं वो बिलोंग करती हूँ, उन्होंने दोनों ने काम किया था. सो माई वर्क, आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ अदर रिसर्च वर्क, जिसको कहते हैं एलाइड वर्क, वो मेरा. वाओ, ग्रेट मैम, एंड थैंक यू सो मच मैम. और जाते जाते क्या मैसेज देना चाहोगी आप जो कथक सीखना चाहते हैं और जो एक्टिंग लाइन में आना चाहते हैं? देखिए, आई एम नोबडी एक्चुअली टू गिव मैसेजेस. आई फील, अगर आप मुझे पूछते भी है फिर भी, तो मैं यही बोलूंगी, देर आर नो शॉर्टकट्स टू हार्ड वर्क. मेरी गुरुजी ने यही सिखाया था कि पहले तो डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके एक पर्सनल डिसिप्लिन जिसको कहते हैं. दूसरा जो है, आई नो देर इज अ लॉट ऑफ विजडम इन जो बड़े लोग बोल के गए हैं ना उसमें. तो वो कहती थी कि शॉर्टकट्स, रियाज आपको करना ही, वंस यू डिसाइड ना. एंड रियाज इज नॉट जस्ट फिजिकल रियाज, आप उसके बारे में सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, चाहे वो एक्टिंग हो चाहे डांस हो. आप एक खड़े होके करते हैं, तो रियाज का मतलब नहीं है कि चार जनों को लाना है, अकेले में भी रियाज होता है. जैसे आज आप इंटरव्यू ले रही, तो आप होमवर्क करके आई, यू हैव बीन कंटेम्पलेटिंग, यू हैव बीन थिंकिंग अबाउट व्हाट क्वेश्चंस टू आस्क, यू मे हैव मेड अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, यू नो. वी आर ऑफकोर्स गोइंग कैंडिड, हम लोग तो कैंडिड, हम लोग ने डिसाइड नहीं किया था आप क्या पूछेंगे या नहीं, बट स्टिल यू नो कि वो फ्लो कैसे लेके जाना है. तो आपकी फ्लो ऑफ लाइफ को अगर आपको डिटर्मिन करना है कि मुझे कहाँ जाना है, तो आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, एक शॉर्ट टर्म प्लान, एक लॉन्ग टर्म प्लान, और आपको उस पर काम करना पड़ेगा. जस्ट ड्रीमिंग, प्रोक्रेस्टिनेटिंग, थिंकिंग हो जाएगा, ये नहीं होगा. सो देर आर एब्सोल्युटली नो शॉर्टकट्स टू हार्डवर्क. हाँ, कभी आपके हाथ में बोलते ना, जैसे गंगा में अपने हाथ में ये डाला तो सोना भी आता है, नहीं तो खाली हाथ भी होता है. तो इट ऑल डिपेंड्स कि क्या हो सकता है, बट यू शुड नेवर गिव अप. आई ऑलवेज फील वन शुड बी वर्किंग टिल द एंड, टिल द लास्ट ब्रेथ. और ये मैंने गुरुओं से और मेरे फैमिली से ये सीखा, जो मेरे गुरु जी थे, कि स्ट्रगल उनके लिए भी था, स्ट्रगल हमारे लिए भी है, एंड स्ट्रगल विल बी इटर्नल. सो वी जस्ट नीड टू गेट आउट देयर, वर्क वेल, एंड नॉट गिव अप. जैसे आप कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. तो आई थिंक आई एम इन टैंडम विद दैट लाइन, कि कभी भी. और हाँ, अगर आपके पास, आई ऑलवेज फील कि बहुत लोग क्रिटिकल हो गए हैं अभी, यू नो, दे क्रिटिसाइज विदाउट इवन नोइंग. आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन आप क्रिटिसाइज करेंगे क्योंकि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है. सो आई वुड एडवाइज ऑल दीज पीपल हु आर सो कॉल्ड इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर फिलोसॉफीज अदर देन द सनातन धर्म, नाउ आई एम बीइंग वेरी पॉलिटिकल, आई बी टर्म्ड एज अ राइट विंगर, कि प्लीज रिसर्च, एवरीथिंग इज देयर इन सनातन धर्म. आप वो लेफ्टिस्ट और वो कम्युनिस्ट और वो सारे जो आपके दिमाग में कचरा है, थोड़ा सा निकालिए. एवरीथिंग इज देयर इन अवर कंट्री. आप पढ़िए, आप जानिए, अवेकन योरसेल्फ, डोंट टेक अप इश्यूज विच हैव नो सेंस. मतलब ये स्मैश पैट्रियार्की, हैशटैग मी टू, ये जो चल रहा है ना, ये जरूरत नहीं. दीज आर जस्ट कॉजेस विच हैव बीन टेकन बाय लॉस्ट सोल्स. सो प्लीज रिक्लेम योर सोल एंड रिक्लेम योर लैंड एंड बी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट यू आर एन इंडियन. एंड एवरी टाइम यू गो अप एज एन आर्टिस्ट, एज अ डांसर, एज अ परफॉर्मर, सिंगर, योर गिटारिस्ट, be proud of what you're doing, be proud of the heritage that you carry forward, the legacy that you have, and share it. aur agar kuch acha nahi hai bolne ke liye, to please aap muh band, silence is golden, muh band rakhiye. That's it.
राइट मैम, एंड थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती थैंक टाइम यू सर। हमें दिया और बहुत ही अच्छा लगा, और ये हमारा सौभाग्य था आपसे मिलना. थैंक यू सो मच थैंक मैम, थैंक यू सो मच फॉर यू, ज्वाइनिंग अस, इट वाज अ ग्रेट बेस्ट ऑफ लक एक्सपीरियंस फॉर विद यू. योर फ्यूचर शोज, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर शोज, एंड आई आई ट्राई टू ट्यून इन, नहीं तो FB में मैं देख लूंगी बाद में आराम से। थैंक यू बेस्ट सो ऑफ मच लक, मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स टू एवरीबडी। बाय बाय. थैंक यू सो मच एवरीवन, और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और आप भी कोशिश कीजिए. तूफान से टकराए बिन कश्ती पार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवार कभी गुलजार नहीं होती, जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती, बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, होते हैं शह सवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, ओ, 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 ओ।